गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। महमूद ऑफ गजनी। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी हैड हर्ड द टेल्स ऑफ वेल्थ इन द कंट्री दैट वाज अफगानिस्तान्स नेबर। महमूद ऑफ गजनी जो था, उसने धन के किस्से देश के बारे में सुने थे जो कि दैट वाज जो अफगानिस्तान का नेबर था। दैट कंट्री वाज नन अदर देन इंडिया, जो कि इंडिया के बारे में था। इंडिया एक धनी देश था जिसको मुगलों ने लूटा। महमूद हैड एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। इसने अपना कंट्रोल कहाँ जमाया? सेंट्रल एशिया में, ईरान में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही वॉन्टेड टू मेक गजनी, वो इसको गजनी बनाना चाहता था, विच इज़ नाउ इन अफगानिस्तान, जो कि अभी अफगानिस्तान में है। द मोस्ट पावरफुल किंगडम। He needed a large army and a lot of resources and wealth for that. उसे इसके लिए बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी और lot of resources and wealth, धन के लिए। He was aware of the wealth of the kingdoms of northern India. और उसको यह जानकारी थी, aware of the wealth of the kingdoms of northern India. Northern India के जो kingdoms थे उनके पास कितने धन हैं उसकी उसको जानकारी थी। मनी वॉज रिक्वायर्ड टू रेज अ लार्ज आर्मी। लार्ज आर्मी को रेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। ही लेड द फर्स्ट इन्वेशन टू गेट होल्ड ऑफ द वेल्थ इन इंडिया। उसने अपना पहला इन्वेशन होल्ड किया, पहला कब्जा जमाया। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर महमूद टू इन्वेट इंडिया। उसके लिए यह इतना आसान नहीं था इन्वेट करना इंडिया में। डिसयूनिटी अमंग द रूलर्स मेड महमूद स्टिक इजियर। जो हमारे भारत देश में किंगडम्स में जो डिसयूनिटी थी, यानी एकता नहीं थी, वही इसका कारण बना, उसको वही इसको आसान किया। ही रेडेड इंडिया 17 टाइम्स। वो 17 बार भारत में आ चुका था। बिटवीन 1000 CE एंड 1025 CE ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड प्लंडर्ड सिटीज। और शहरों को उसने कब्जा किया, पैलेसेस, महल को और टेम्पल्स को। द रेड ऑन सोमनाथ टेम्पल, जो सोमनाथ टेम्पल में रेड किया था 1026 CE में इन काठियावाड़, वॉज द मोस्ट फेमस रेड, जो कि एक महान फेमस रेड था। द टेम्पल वॉज डिमोलिश्ड, टेम्पल को तोड़ा गया। एंड इट्स वेल्थ कैरिड बैक टू गजनी, और उसके जो धन था गजनी ले गया। मच ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया वॉज यूज टू क्रिएट द कैपेसिटी ऑफ गजनी। महमूद वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही वॉज ए वेल ऑर्गेनाइज जनरल। वो सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि वो पेशे से वेल ऑर्गेनाइज जनरल था। ही प्लान्ड इन एडवांस एंड टू केयर ऑफ द ऑल नीड्स ऑफ हिज सोल्जर्स हु वेयर टू मार्च फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया। जो अफगानिस्तान से इंडिया जाने के लिए सोल्जर्स के लिए वो एक प्लान एडवांस किया, ठीक है। ही वॉज वेरी क्विक एट गेम ईयर आफ्टर ईयर गेविंग लिटिल टाइम टू द रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टू रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। सुल्तान महमूद पेट्रोनाइज्ड स्कॉलर अल बेरूनी। उसने एक स्कॉलर को पेट्रोनाइज्ड किया, सहायक बनाया। ही रोट एन अरेबिक अकाउंट कॉल्ड किताब हिंद। उसने एक अरेबिक अकाउंट बनाया जिसका नाम था किताब हिंद, विच इज़ ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द इन्वेशंस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द हिस्टोरियंस। ये हिस्टोरियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था। हिस्टोरियंस क्या होता है? इतिहासकार। आफ्टर महमूद डेथ इन 1030 CE हिज सक्सेसर्स शोड नो इंटरेस्ट इन इंडिया। आफ्टर महमूद डेथ, महमूद के ख़त्म होने के बाद, जब उसका डेथ कब हुआ था 1030 CE में, हिज सक्सेसर शोड नो इंटरेस्ट इन इंडिया। उसके बाद उसके जो सक्सेसर थे, उसके बाद जो गद्दी संभाले, वो इंडिया में इंटरेस्ट नहीं दिखाए। वंडरफुल टू नो, महमूद वॉज नेवर डिफिटेड इन इंडिया और सेंट्रल एशिया। महमूद भारत में कभी नहीं हारा, ना कि सेंट्रल एशिया में। अल बरूनी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी द पुराणास। अल बरूनी एक पहला मुस्लिम था जिसने पुराण को पढ़ा था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द भगवद गीता टू द मुस्लिम लीडर। और उसने भगवद गीता को मुस्लिम लीडर बनाया। अब आते हैं द घोरीज। मोहम्मद घोरी वॉज ऑल्सो एन इन्वेडर हु मार्च्ड अक्रॉस द माउंटेन पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट टू रीच इंडिया।
मोहम्मद गोरी एक ऐसा इन्वेडर था जो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया पहुंचा माउंटेन्स के थ्रू पासेस। एज हिज नेम सजेस्ट ही वॉज फ्रॉम घोर। वो कहाँ से था? घोर से था, अ स्मॉल किंगडम इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। जो कि स्मॉल किंगडम है अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में। मोहम्मद गोरी, एक्चुअली द रूलर ऑफ घोर वॉज अ वसाल ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। वसाल क्या होता है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ वसाल? वसाल नहीं होता है, जागीरदार। हाउ एवर विद द महमूद डेथ हिज डायनेस्टी डिक्लाइंड एंड मोइजुद्दीन मोहम्मद टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड मेड गोर इंडिपेंडेंट। इसके ख़त्म होने के बाद, महमूद और गजनी के ख़त्म होने के बाद, महमूद डेथ हिज डायनेस्टी उसके जो वंश थे वो डिक्लाइंड हो गए, ख़त्म हो गए। एंड मोइजुद्दीन मोहम्मद टुक एडवांटेज, उसने इसका फ़ायदा उठाया सिचुएशन का एंड मेड घोर इंडिपेंडेंट, और घोर को इंडिपेंडेंट कर दिया। ही वेंट ए स्टेप अहेड एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ऑल गजनबी टेरिटरीज, और उसने टेरिटरीज को कंट्रोल कर लिया। विद दैट मुइजुद्दीन मोहम्मद और मोहम्मद गोरी बिकेम पावरफुल एंड चॉक्ड आउट हिज एम्बिशंस टू कंकर एज वेल एज स्प्लेंडर फॉर वेल्थ। और उसने एक प्लान तैयार किया, किस चीज़ के लिए? टू कंकर एज वेल एज स्प्लेंडर फॉर वेल्थ, धन को पाने के लिए, हड़पने के लिए। ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड मुल्तान इन 1175 CE। उसने अटैक किया मुल्तान में एंड कॉन्कर्ड यानी कंकर्ड किया यानी कब्जा किया 1175 CE। इन 1178 CE ही वॉज डिफीटेड बाई द रूलर्स ऑफ गुजरात। वो गुजरात के रूलर से हार गया। आफ्टर दिस सेटबैक ही बेस्ड हिमसेल्फ इन पंजाब। वो अपने आप को पंजाब में रख लिया। फ्रॉम देयर ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द कैंपेन टुवर्ड्स दिल्ली एंड गंगा वैली ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन 1178 CE। सेम पीरियड यानी 1178 CE में पृथ्वीराज चौहान असेंडेड द थ्रोन ऑफ अजमेर। असेंडेड द थ्रोन ऑफ अजमेर मतलब क्या? अजमेर का जो सिंहासन था उसमें वो काबिज हो गया। ही वॉज ए ब्रेव वॉरियर। वो एक महान योद्धा थे। ही डिफेटेड द चंडेलास एंड अकबर डेली, बट द रूलर ऑफ गुजरात डिफेटेड पृथ्वीराज चौहान। बट जो रूलर थे गुजरात के, उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। सो पृथ्वीराज टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स पंजाब एंड द गंगा वैली। अब देखते हैं, दिस टू पावरफुल किंग्स पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी वॉन्टेड टू कंट्रोल पंजाब एंड द गंगा वैली। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी पंजाब और गंगा वैली को कंट्रोल करना चाहते थे। दिस कन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन द टू बैटल्स दैट टू प्लेस एट टेरैन इन 1191 एंड 1192 CE। से दोनों के बीच में टेरैन में युद्ध हुआ। दिस आर पॉपुलरली नोन एज द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ टेरैन रिस्पेक्टिवली। इसको पहला और दूसरा बैटल कहा जाता है टेरैन का। केस स्टडी, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज हैड टर्न हिज अटेंशन टूवर्ड्स पंजाब एंड वॉज प्रिपेयरिंग टू अटैक भटिंडा। पृथ्वीराज जो है अपने अटेंशन रखा था, मतलब वो सावधान था कि पंजाब के लिए, एंड वॉज प्रिपेयरिंग टू अटैक भटिंडा, भटिंडा को अटैक करना चाहता था। व्हेन मोहम्मद गोरी हर्ड ऑफ दिस, जब मोहम्मद गोरी ने इसको सुना, ही ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स भटिंडा, और वो भी भटिंडा की तरफ बढ़ गया। द टू पावरफुल आर्मीज ऑफ पृथ्वीराज एंड गोरी क्लैश्ड एट टेरैन इन 1191 CE। ये जिससे दोनों 1191 CE में युद्ध किए। मोहम्मद गोरी हैड ए क्रशिंग डिफीट। मोहम्मद गोरी को करारी हार हुई एंड अल्टीमेटली फ्लेड टू एस्केप डेथ, और वो भाग के वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए। आफ्टर वन ईयर मोहम्मद गोरी विद ए स्ट्रॉन्गर आर्मी अटैक्ट पृथ्वीराज इन 1192 CE। एक साल बाद उसने पृथ्वीराज को अटैक कर दिया, पृथ्वीराज पर अटैक कर दिया इन 1192 CE। पृथ्वीराज आस्क्ड हिज नेबर्स फॉर हेल्प एंड विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ देम ही मैनेज टू ब्रिंग टूगेदर एन आर्मी ऑफ मोर देन 3 लाख सोल्जर्स। जिससे पृथ्वीराज चौहान ने मदद की गुहार लगाई अपने आसपास के पड़ोसियों वाले किंगडम से, और उसे 3 लाख सोल्जर्स मिल गए। पृथ्वीराज स्ट्रेंथ प्ले इन द नंबर ऑफ सोल्जर्स। मोहम्मद गोरी विद जस्ट 1 लाख सोल्जर्स हैड स्ट्रॉन्ग कैवेलरी। बोथ हॉर्सेस एंड देयर राइडर्स वर कवर्ड विद आयरन आर्मर्स। मोहम्मद गोरी क्लेवरली सेट अप हिज कैंप अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड वेर ही केप्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिज आर्मी, राशन, पोलो कॉट्स एंड स्टेशन 10,000 कैवेलरी मैन ऑफ कुड बी यूज वैन नीडेड। मोहम्मद गोरी जो था वो क्लियरली सेटअप किया कैंप
जिससे कि वो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आर्मी राशंस पुलो कार्ड्स और स्टेशन कवरी मैन कुड बी यूज्ड व्हेन नीडेड, जब उसकी जरूरत पड़ती तो ये इस सब चीज़ों को लेता था। पृथ्वीराज हैड ऑन दी अदर हैंड रिटेन्ड हिज आर्मी इन हिज बैटल फील्ड। हिज आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, उसकी आर्मी चार भागों में विभाजित थे। अ पार्ट वॉज विथ हिम इन द मिडल, हिज समन एट द फ्रंट विथ द एलिफेंट्स एंड ट्रूप्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ पृथ्वीराज। मोहम्मद हैड डिवाइडेड हिज आर्मी इंटू फाइव पार्ट्स विथ हिम इन द सेंटर एंड हिज ट्रूप्स ऑन हिज राइट लेफ्ट एंड रियर साइड। पृथ्वीराज एलिफेंट्स स्टार्टेड द अटैक बाई मूविंग फॉरवर्ड एंड ट्रैम्पलिंग सोल्जर्स ऑन द अदर साइड। मोहम्मद ट्रूप्स सराउंडेड द एलिफेंट्स एंड शॉट एरोज एट देम फ्रॉम ऑल द साइड्स। मोहम्मद जो ट्रूप्स थे, ट्रूप्स यानी कहते घुड़सवार, सराउंडेड बाई द एलिफेंट्स, एलिफेंट से सराउंड हो गए एंड शॉट एरोज और उसे तीर लग गया फ्रॉम ऑल साइड्स। द इंजर्ड एलिफेंट्स पैनिक्ड एंड स्टार्टेड रनिंग बैक राइट इनटू पृथ्वीराज ट्रूप्स। द पैनिक गेव मोहम्मद ट्रूप्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सराउंड एंड मैसेकर पृथ्वीराज आर्मी। पृथ्वीराज इवेंचुअली लॉस्ट द बैटल। द बैटल्स ऑफ टेरन। द बैटल्स ऑफ टेरन वर फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। The battles of Terran were fought between the forces of Prithviraj Chauhan and Mohammad Ghori. जो टेरन में बैटल हुआ था वो किसके 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 बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। द क्लैश्ड एट टेरन इन 1191 CE। टेरन इज अबाउट 80 miles फ्रॉम डेली। डेली से ये 80 miles दूर है। इन द फर्स्ट बैटल, पहले बैटल में पृथ्वीराज गेव अ क्रशिंग डिफीट टू मोहम्मद गोरी। पहले में पृथ्वीराज ने मोहम्मद को क्रशिंग डिफीट दिया, बट मोहम्मद गोरी रिटर्न विथ बेटर प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग विद इन ईयर। पृथ्वीराज चौहान अप्रोच ऑल द राजास नॉर्थ इंडिया फॉर द सपोर्ट टू ट्राई विद द एनिमी। ऑल एग्रीड बट द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर राजा जयचंद्र कन्नौज हावर स्टेट अवे। लेकिन राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की। इन 1192 CE इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेहरान मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। दिस विक्ट्री मोहम्मद गोरी बिकेम द मास्टर ऑफ डेली एरिया एरिया एंड इंस्टेंस राजस्थान। दूसरे बैटल में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिससे कि वो मास्टर बन गया डेली एरिया का और ईस्टर्न राजस्थान का। इन 1194 CE मोहम्मद गोरी डिफीटेड राजा जयचंद्र ऑफ कन्नौज इन द बैटल ऑफ चंदवार। मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद्र को हराया था इन बैटल ऑफ चंदवार। फ्रॉम 1192 CE टू 1206 CE द टर्किश रूल एक्सटेंडेड ओवर द गमना गंगा यमुना डोब बिहार एंड बंगाल, बट मोहम्मद गोरी डिड नॉट स्टे हियर। लेकिन मोहम्मद गोरी यहाँ पे नहीं रुके। ही लेफ्ट हिज ट्रस्टेड जनरल्स कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खलजी इन चार्ज ऑफ द कंकर्ड टेरिटरी। ठीक है, एज फेट वुड हैव इट मोहम्मद गोरी वाज असासिनेटेड ऑन हिज वे टू गजनी। मोहम्मद गोरी असासिनेट हो गया यानी हार गया, किससे? ऑन हिज वे टू गजनी। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द तुर्किश रूल इन इंडिया। उसको तुर्किश रूल का फाउंडर भी कहा जाता है। किसको? गजनी को, सॉरी मोहम्मद गोरी को। अब देखते हैं साउथ इंडिया। थ्री इंपॉर्टेंट किंगडम्स वर डोमिनेट इन द साउथ ड्यूरिंग दिस टाइम। साउथ में थ्री इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे, द पल्लवास, द पांड्यास एंड द चोलास। दिस थ्री वेर ऑलवेज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर देयर सुप्रीमेसी। वे अपनी सुप्रीमेसी के लिए हमेशा स्ट्रगलिंग करते थे। द पल्लवास हैड बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल ड्यूरिंग द 7th और 8th सेंचुरीज। 7th और 8th सेंचुरीज में पल्लवास बहुत पावरफुल थे। दे हैड देयर कैपिटल एट कांची। उनकी कैपिटल कहाँ पे थी? कांची में। दे बिल्ट मैनी ब्यूटिफुल टेम्पल्स आउट ऑफ स्टोन। उन्होंने पत्थर के महान मंदिर बनाए। द पल्लवास वर डिफीटेड बाय द चोलास इन द 9th सेंचुरी एंड देयर रूल केम टू एन एंड। और उसका रूल 9th सेंचुरी में ख़त्म हो गया। द पंड्यास, द पंड्यास हैड एस्टेब्लिश देयर कैपिटल अराउंड मदुरई एंड वेर ए फोर्स टू रेकॉन विथ। डिटेल्स अबाउट द रेन इज गिवन इन द अकाउंट्स ऑफ मार्को पोलो। द किंगडम डिक्लाइन टुवर्ड्स द 14th सेंचुरी। और ये जो किंगडम थी पंड्यास की, इनका डिक्लाइन कब हुआ? टुवर्ड्स द 14th सेंचुरी। द चोलास, द चोला डायनेस्टी वॉज ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन साउथ इंडिया बिटवीन 800 एंड 1200 CE। ये भी स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी। द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी वर ऑल्सो
इंपीरियल चोलास, इनको इंपीरियल चोलास के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ द पावरफुल एम्पायर विद विच दे एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया, जिसे साउथ इंडिया में कब्जा किया। दे रूल्ड इन साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 सेंचुरीज, इन्होंने साउथ इंडिया में 4 सेंचुरीज में रूल किया। द कैपिटल वॉज तंजौर, उनकी कैपिटल क्या थी? तंजौर। अब इसको क्या बोलते हैं? थंजावुर। विजयाला फाउंडेड द चोला डायनेस्टी, विजयाला जो था वो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे। ही बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर, ए ब्यूटीफुल सिटी ऑफ टेम्पल्स, ही ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुंभासुदिनी, उसने एक देवी निशुंभासुदिनी का मंदिर भी बनाया। किसने? विजयाला, विजयाला ने। ठीक है, कम टू पेज नंबर 20। राजा राजा चोला, द ग्रेटेस्ट चोला किंग पास राजा राजा चोला। राजा राजा चोला के ग्रेटेस्ट किंग कौन थे? राजा राजा चोला। ही वॉज ए ब्रिलियंट कमांडर, वो ब्रिलियंट कमांडर थे। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड राजा राजा, उनको राजा राजा बोला जाता था। ही इनहेरिटेड ए स्मॉल किंगडम, वो उसके पास स्मॉल किंगडम थे। बट विद इन ए फ्यू ईयर्स इट डेवलप टू बिग एम्पायर, लेकिन कुछ साल बाद वो बड़ा एम्पायर बन गया। विद एन ऑर्गेनाइज आर्मी, बहुत सारे आर्मी हुआ एंड नेवी हुए। द किंगडम वॉज गिफ्टेड विद रिच रिसोर्सेज, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ गई। अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर दैट ही वे वॉज, ही ट्रांसफॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। टू कंट्रोल द ट्रेड विद द अरब्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, राजा राज डिफीटेड द चेरस, राजा राज ने चेरस को हराया एट तिरुवनंतपुरम। ही कंट्रोल्ड द मलाबार कोस्ट बाई डिफीटिंग द पांडेस ऑफ मदुरई, ही ऑल्सो कंट्रोल्ड द चोलामंडलम कोस्ट, उसने चोलामंडलम कोस्ट को भी कंट्रोल किया। राजा राजा आई रियलाइज द नीड फॉर ए वन, रियलाइज द नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग नेवी एंड देयर फोर बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग वन। हिज नेवी वॉज द बेस्ट इन द रीजन एट द टाइम, उसकी नेवी थी वो सबसे बेस्ट थी। ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड श्रीलंका नॉर्दर्न पार्ट, ही ऑल्सो डिफीटेड द चालुक्यस इन द डेक्कन, उसने चालुक्यस को भी डेक्कन में हराया। He sent his naval forces to conquer the Maldives Island successfully. That beautiful temple of Brihadeshwara in Thanjavur in Tamil Nadu was constructed by them. Brihadeshwara जो temple था वो किसके द्वारा बनाया गया था? राजा राजा वंद के द्वारा। अब पढ़ते हैं राजेंद्र चोला, 1016 to 1044 CE. After the death of राजा राजा वंद, his son राजेंद्र चोला occupied the throne. राजेंद्र चोला जो कि राजा राजा वन का बेटा था, राजा राजेंद्र चोला के मरने के बाद उसने थ्रोन यानी सिंहासन को संभाला। ही कंटिन्यूड विद द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट यानी युद्ध में वो विश्वास रखता था। द एम्पायर बिकेम मोर पावरफुल इन द पीरियड ऑफ राजेंद्र चोला, ही कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका दैट हिज फादर हैड स्टार्टेड, हिज आर्मी डिफीटेड द चेरास एंड चालुक्यास, उसकी आर्मीज ने चेरास और चालुक्यास को हराया। एंड देन मार्च टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड न्यू मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल वेयर ही डिफीटेड द पालस, जिसके उसने पालस को भी हराया। हिज आर्मी इवन रिस्ट म्यांमार, पीपल रिगार्ड राजेंद्र चोला एज गंगी कोंडा चोला और कनकड गंगा के नाम से बोला गया, गंगाई कोंडा चोलापुरम। द वर्ड गंगाई कोंडा चोलापुरम इज फाउंड फ्रॉम फोर वर्ड्स विच वैन रीड बैकवर्ड्स मीन्स द सिटी पुरम, जिसका मतलब होता है पुरम ऑफ द चोलास, टू विच वॉज ब्रॉड कोंडा द रिवर गंगा। इट इज बिलीव दैट राजेंद्र चोला फिल्ड द एंटायर टेम्पल टैंक विद वाटर फ्रॉम द गंगा, उसने टेम्पल के टैंक को पूरा पानी से किससे भरा था? गंगा से। राजेंद्र चोला लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी गंगाई कोंडा चोलापुरम एंड स्पेशल कोरोनेशन सेरेमोनी वॉज हेड टू सेलिब्रेट एंड ऑनर हिज विक्ट्री। राजेंद्र चोलास मोस्ट एडवेंचरस कैंपेन वॉज इन साउथ ईस्ट एशिया, उसका मोस्ट एडवेंचरस यानी बहादुरी वाला कैंपेन कब था? साउथ ईस्ट एशिया में। फॉर ट्रेड इंडियन शिप्स हैड टू ट्रेवल थ्रू द स्टेट्स ऑफ मुलक्का विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंगडम ऑफ श्रीविजया, जो श्रीविजया में था। द मर्चेंट्स हुआर ग्रेटली अफेक्टेड बाई दिस, मर्चेंट्स इन व्यापारी इससे ग्रेटली प्रभावित हुए। दे अपील टू राजेंद्र चोला फॉर एड, राजेंद्र चोला सेंट अ लार्ज फ्लीट अगेंस्ट श्रीविजया हु वॉज डिफीटेड बाई द चोला नेवी। द ट्रेड वॉज
रिज्यूम्ड वंस अगेन एंड द चोला डायनेस्टी फ्लरिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इट, जिससे कि द ट्रेस वॉज रिज्यूम्ड मतलब फिर चालू किया गया एंड द चोला डायनेस्टी फ्लरिश्ड फिर निखर आया एज ए रिजल्ट ऑफ इट। द सक्सेसर्स ऑफ राजेंद्र चोला यानी राजेंद्र चोला के बाद जो राजेंद्र चोला के बाद जो सक्सेसर थे कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स, वो नेबरिंग किंगडम से फाइट किया करते थे। बट एज इट ऑलवेज हैपन्स कंटिन्यूस वॉर्स नीड्स रिसोर्सेज एंड वेल्थ टू कैरी ऑन, लेकिन युद्ध के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है और धन की आवश्यकता होती है। द ह्यूज एक्सपेंसिस ऑन वॉर्स अफेक्टेड द चोला टेरिटरी एडवर्सली, से चोला की खजाना प्रभावित हुआ। दिस वीकेंड द चोला एम्पायर, जिससे कि चोला एम्पायर कमजोर पड़ गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी द चोला एम्पायर डिक्लाइंड, 13th सेंचुरी के अंत तक चोला एम्पायर खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं चोला ट्रेड। द ट्रेडर्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड डोमिनेटेड ट्रेड, चोला पीरियड डोमिनेट ट्रेड करता था। देयर वेर टू चीफ पोर्ट्स कावेरी पट्टिनम एंड नागपट्टिनम, मर्चेंट्स अराइव देयर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन चाइना, एविडेंस प्रूव दैट इवन यवनास विजिटेड द सिटी इन ऑर्डर टू ट्रेड। यवनास कौन थे? ग्रीक्स थे जो एविडेंस के लिए आए थे। एविडेंस प्रूफ मतलब बताते हैं कि ये सिटी में आए थे मतलब ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ट्रेड गिल्ड्स यानी पंशन वर एस्टैब्लिश्ड, द प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड वर यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे कि कृषि के लिए सहायता होते थे। चोलास कैरिड ऑन ट्रेड विथ चाइना ऑल्सो, चोलास जो थे वो चाइना से भी ट्रेड किया करते थे। कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास, टेम्पल्स, द टेम्पल्स बिल्ट बाय द चोलास आर स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्बल्स। स्कल्पचर मार्बल्स यानी क्या होता है? मूर्तियाँ यानी मार्बल्स की मूर्तियाँ। द फेमस टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम वर बिल्ट बाई राजा राजा एंड राजेंद्र चोला, इस किसके द्वारा बनाया गया था? राजा राजा एंड राजेंद्र चोला के द्वारा। क्या क्या बनाया गया था? फेमस टेम्पल थंजावुर, फेमस टेम्पल जो थंजावुर में है और गंगाई कोंडा चोलापुरम में है। चोला टेम्पल्स वर द सेंटर्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, सेटलमेंट्स डेवलप्ड ऑन द चोला टेम्पल्स। कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज ओरिजिनली संग इन द टेम्पल हॉल्स, कर्नाटिक यानी क्या होता है? कर्नाटका स्टाइल, ठीक है। इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट द हॉस्पिटल्स नियर द टेम्पल्स, इंस्क्रिप्शन में ये भी पता चलता है कि उसके आसपास हॉस्पिटल्स भी थे। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव अस अ लिस्ट ऑफ द मेडिसिन मेंटेन इन द हॉस्पिटल्स। टेम्पल्स वर द मीटिंग प्लेसेस फॉर द पीपल, दे ऑल्सो डिस्कस्ड देयर लोकल इशूज इन द टेम्पल, वे अपने लोकल इशूज को भी टेम्पल में डिस्कस किया करते थे। स्कल्पचर्स, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फिगर ऑफ चोला क्राफ्ट वॉज मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर चोला का क्या था? ब्रॉन्ज इमेजेस यानी पीतल के इमेजेस बनाना। द ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ द चोलास आर कंसिडर्ड एमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वर ऑफ डीटीज यानी देवताओं के बने होते थे। अ फ्यू स्कल्पचर्स ऑफ ड्यूटीज वर ऑल्सो फाउंड, जैसे कि ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराजा यानी शिव को नटराज बोला जाता है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैनी रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल तेलुगु एंड कन्नड़ा डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैनी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ा यहाँ पे डेवलप हुए। एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी अचीवमेंट वॉज दैट फेमस लिटरेरी वर्क्स वर ट्रांसलेटेड टू दिस रीजनल लैंग्वेजेस ड्यूरिंग दिस टाइम। चोला इंस्क्रिप्शंस आर सोर्सेज दैट गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्क्वेस्ट, लैंड ग्रांट्स, विलेज गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड ऑफिशियल्स। विलेज गवर्नमेंट यानी ग्राम पंचायत, इंपॉर्टेंट पोस्ट यानी और ऑफिशियल्स के बारे में चोला इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं, एविडेंस देते हैं। दे ऑल्सो टेलर्स अबाउट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एवेल्युएशन, रेवेन्यू यानी राजस्व मूल्यांकन और कलेक्शन यानी संग्रहण के बारे में बताते हैं। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास आर ए वेरी यूनिक फीचर एज दे वेर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन, द इवेंट्स, कॉन्क्वेस्ट, पीपल एंड लैंड ग्रांट्स। इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो फाउंड इन द स्टोन वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स, मंदिर के स्टोन वाले पत्थर दीवारों में इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। दे आर ऑल्सो फाउंड एट अदर प्लेसेस टू, ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल में भी इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन बट वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवाइस ऑफ आइदर हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हिज पुरोहित,
किंग मतलब बहुत पावरफुल होते थे, लेकिन वो पुरोहित की एडवाइस लिया करते थे पंडितों की। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लुक आफ्टर बाई असेंबलीज एट द टाउन एंड विलेज लेवल फॉर ईजी एंड एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन। द सोलापुर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम्स। ईजी और एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शासन के लिए चोला किससे डिवाइडेड हुआ करते थे? मंडलम्स, और मंडलम्स वर फर्दर डिवाइडेड इंटू वालानुडस और डिस्ट्रिक्ट्स। वालानाडोस और डिस्ट्रिक्ट्स को वालानाडोस बोला जाता था। ग्रुप्स ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडूस, जो विलेज गाँव के समूह को लार्ज यूनिट में बता के उसको नाडूस बोला जाता था। द किंग अपॉइंटेड गवर्नर्स टू लुक आफ्टर द मंडलम्स। देर वेर मैनी टाउन्स ऑल्सो, द टाउन्स वेर नोन एज नगरम्स। टाउन्स को नगरम्स के नाम से जाना जाता था, नगरम्स। लास्ट टाउन वॉज कॉल्ड तनियूर, लास्ट टाउन को तनियूर के नाम से। द गवर्नर्स वेर फ्रॉम द रॉयल फैमिली, और गवर्नर्स जो थे वो रॉयल फैमिली से थे। द एसोसिएशन और असेंबलीज वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। दे परफॉर्म द रूल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। द ऊर एंड द सभा वर द टू इम्पॉर्टेंट असेंबलीज इन्वॉल्व इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज। मतलब द ऊर और सभा जो इम्पॉर्टेंट असेंबलीज थे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इन्वॉल्व थे। द ऊर वॉज लाइक ए जनरल असेंबली और पीपल हु वर द ओनर्स ऑफ लैंड इन द विलेज। द मेम्बर्स ऑफ ऊर एंड सभा हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बी ऑनेस्ट एंड सबमिट देयर ओन एंड फैमिली मेम्बर्स अकाउंट्स फेयरली बिफोर कंटेस्टिंग असेंबली इलेक्शंस। The functions of the Sabha are described in Parantaka's inscriptions. Parantaka's inscription में बताया गया था उनके functions को, which says that it operated through committees, जो committees में operated हुआ करते थे, that looked after different aspects of local administration like temples, gardens, land revenue and law and order. During this period, trade and commerce was its peak. Trade और जो commerce थे वो peak में थे। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन अबाउट लार्ज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नेम मनी ग्रामम्स। दिस मनी ग्रामम्स ऑपरेटेड इन आइलैंड टाउन्स एज वेल एज इन द कोस्टल एरियाज। एग्रीकल्चर, चोलास मेड न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। दे ओपन्ड अप एरियाज फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। चोलास जो थे वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे विकास किए। दे ऑल्सो लेवल्ड लैंड एंड क्लियर द फॉरेस्ट। उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया, कटाई किया। चोलास लर्न एंड इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ ग्रोइंग टू क्रॉप्स इन ए ईयर। दे एक्सिल्ड इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस, और वो राइस का उत्पादन करने लगे। इरिगेशन, चोलास हैड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन सिस्टम। चोलास के पास बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन सिस्टम था। द ब्रांचेस ऑफ कावेरी रिवर वर डिवाइडेड इंटू सेवरल स्मॉल चैनल्स दैट डिपॉजिट फर्टाइल एलुवियल ऑन द बैंक्स। दिस टेक्निक रिजल्टेड इन मेकिंग द लैंड फर्टाइल, जिससे लैंड फर्टाइल उपजाऊ हुआ करते थे, एंड एज ए रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग गुड क्रॉप्स, जिससे गुड क्रॉप्स उत्पन्न हुआ करते थे। टू प्रिवेंट फ्लडिंग, बाढ़ से बचने के लिए एम्बैकमेंट्स यानी डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड इन द डेल्टा रीजन। चोलास ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड कैनल्स टू कैरी वाटर द फील्ड्स। मैथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वाटर क्रॉपिंग वर यूज। मेथड्स क्या थे आर्टिफिशियल वाटर क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। इन सब एरियाज वेल्स वर डग, वेल्स वर डग मतलब कुएं की खुदाई। ह्यूज टैंक्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड कलेक्ट रेन वाटर। ह्यूज टैंक्स यानी जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट करने के लिए ह्यूज टैंक्स बनाया गया था। पीपल टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन ऑल फॉर द डेवलपमेंट वर्क्स। अ ग्रेट डैम अक्रॉस द कावेरी रिवर मेड थंजावुर द कैपिटल द ग्रैनरी ऑफ द साउथ। द चोला टेम्पल्स वर वेरी रिच। चोला टेम्पल्स क्या थे बहुत ही धनवान थे। हैंस दे टुक द इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, जिससे वो एग्रीकल्चर की भी मदद किया करते थे। दे गेव इकोनॉमिक सपोर्ट टू ब्रिंग बैरन लैंड्स अंडर कल्टिवेशन एंड ऑल्सो फॉर इरीगेशन। इवन द किंग गेव अवे लैंड्स इन ड्राई एरियाज विच कुड बी डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चर। ड्राई एरिया में भी वो मदद करते थे, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। द चोला पीरियड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टकुलर एंड रिमार्केबल पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री। द रीजन वॉज दैट इट एक्सिबिटेड ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। द अचीवमेंट्स द फील्ड ऑफ कल्चर, कल्चर यानी सभ्यता, वारफेयर यानी युद्ध में जो खर्च होता है, एंड एग्रीकल्चर विल बी रिमेंबर्ड थ्रू द एजेस, जिसको हमेशा के लिए याद किया जाएगा सालों से। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ।
होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट टू अवर नंबर.